शहडोल जिले के देवरौन थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक दुकानदार की रेत के कारोबार से जुड़े लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद मृतक के बेटों ने मामले के थाने में शिकायत करने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी KN बंजारे द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी के निर्देश अनुसार व्यवहारी SDOP भविष्य भास्कर के मार्गदर्शन पर मौके पर थाना व्यवहारी अनिल पटेल, सीधे थाना प्रभारी विजेंद्र मिश्रा व शेड्यूल से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह पुलिस स्टाफ के साथ थाना देवलौन पहुंच गए, जिसके बाद देवलौन पुलिस ने 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फरार आरोपी मोनू खान के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। शेड्यूल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र के MPEB कॉलोनी वार्ड नंबर 1 निवासी पप्पू सोनी की MPEB चौराहे के समीप एक छोटे टपरे में किराने की दुकान संचालित की थी। कल रात मोनू खान, पंकज वैश्य, विराट सिंह, संदीप सिंह, जो कि रेत के कारोबार से जुड़े हुए हैं, नामक युवक ने दुकान में आकर पहले सिगरेट लिया। जब पैसे देने की बारी आई तो विवाद करते हुए सिगरेट का पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर दुकानदार पप्पू सोनी व ग्राहकों के बीच विवाद होने लगा और उक्त युवकों द्वारा उनसे मारपीट करने लगे, जिससे दुकानदार पप्पू सोनू ने मदद की गुहार लगाई तो परिजन मदद के लिए पहुंचे, तभी उक्त सभी वहां से भाग खड़े हुए, जिसके बाद गंभीर अवस्था में दुकानदार पप्पू सोनू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पप्पू सोनू ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी लगते हुए देवलौन पुलिस मौके पर पहुंचकर चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विराट सिंह, संदीप सिंह, पंकज वैश्य को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी मोनू खान फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने मोनू खान के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं इस घटना के बाद दूसरे दिन सुबह से ही मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के पहले एक फरार आरोपी को पकड़ने के साथ ही मृतक के परिजनों को सहायता राशि दिलाने हेतु उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए सुबह 10 बजे तक उक्त भीड़ ने पोस्टमार्टम कराने से बचते रहे, जिससे मौके पर पुलिस ने अपनी कमान संभाल रखी है। सर, वहाँ थे हम घटना स्थल पर। वहाँ पे इन्होंने बेवजह मारपीट किया है, सिगरेट लिए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। इनके पापा को वहाँ प्रताड़ित किया गया है। इसके बाद वहाँ से इनको फ़ोन किया गया है तो ये मौके पे पहुँचे हैं। वहाँ मारपीट हुआ है, झगड़ा हुआ है। वहाँ से उन लोग गाड़ी स्पीड में निकाले, थाना आके खड़ी किए गाड़ी। यही है सर, हम लोग रिपोर्ट लिखाने आए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, हम लोगों को थाना से भगा दिया गया। वहाँ राम रतन शुक्ला थे, वहाँ बोलते हैं जाओ, तुम लोगों की रिपोर्ट ना लिख जाएगी। कैसी क्या घटना, पूरी घटना के बारे में बताइए। वहाँ 4 लोग आए, पी खा के पापा से मारपीट करने लगे। वहाँ हम पहुँचे तो बोले कि चलो थाने, पहले रिपोर्ट डालते हैं। थाने पहुँचे तो हम लोगों की रिपोर्ट नहीं डाली गई, वहाँ से भगा दिया गया। हमारे पापा को चिल्लाया गया कि जाओ यहाँ से भगो, और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। सर, जब जैसे वो पापा को चिल्लाया, उनके हार्ट में दर्द होने लगा। हमको न्याय चाहिए। और वहाँ जो मुजरिम रहा, उसको प्रदीप भगा रहा था कि चलता है यहाँ से थाने के अंदर से। कौन है प्रदीप? मोती वैस लड़का है, लड़का है, वो भी रहा, वो भी रहा। ये लोग सब कोई रात में साथ को बैठे थे, मोनू खान, पंकज वैस, विराट सिंह, अमित सिंह, विराट सिंह और अमित सिंह। विवाद की वजह क्या थी? कुछ नहीं सर, ड्रिंक किए थे ये लोग, ड्रिंक करके दुकान में आए थे और सिगरेट मांगे हैं। मेरे पिताजी ने सिगरेट दिया है तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने पैसा मांगा तो धक्का दिए हैं और काउंटर से हाथ डाल के पैसा निकाले और सीने में मारे हैं। ऐसे सब 2 नंबर का काम करते हैं, रेता का पूरा अवैध काम करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें सोनी जी हैं, उनके ऊपर 4 लोगों ने मारपीट की, दुकानों के विवाद हुआ था, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बेटे के रिपोर्ट पर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद आरोपी हैं, जो 3 की गिरफ्तारी हो गई, 4थी की तलाश जारी है। उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस उसको पकड़ने के प्रयास में लगी। ये विवाद की वजह क्या निकल के सामने ऐसे कुछ दुकान में कुछ लेन देन का विवाद हुआ था सिगरेट के पैसे देने के बाद। ये आरोपियों का नाम क्या है? आरोपी के नाम विराट है, पंकज है, मोनू। डिटेल में मैं देख के बता पाऊंगा। किन धाराओं के तहत मामला कायम हुआ? हत्या के धारा में अपराध दर्ज हुआ। ये परिजनों, मतलब मृतक के परिजनों द्वारा ये हंगामा किया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है हॉस्पिटल थाने में, ये क्या कैसा मामला है और मतलब आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था है? हमारे साथ व्यवस्था रखा, पर्याप्त बल लगा, उनको समझाई दी जा रही है और सब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।